नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं वो जुड़ी हुई है एलडीसी के टाइपिंग से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलडीसी की जो टाइपिंग डेट है तो वो कब से शुरू होगी और आपको कंप्यूटर साथ में लेकर जाना है या नहीं और आपकी कितनी शुल्क लगेगी और आपका मॉक टेस्ट है वो कब से प्रारंभ होगा और जो आपके दोस्तों दो तरह की टाइपिंग होगी टंकन और दक्षता वो पूरी किस प्रकार से होगी, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके वह आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान एलडीसी के टाइपिंग टेस्ट की डेट के बारे में। दोस्तों, ये देख लीजिए, ये अभी 23 जुलाई को आज ही जारी हुआ है। दोस्तों, टाइपिंग के बारे में निर्देश देखिए क्या लिखा हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के द्वितीय फेज की दोस्तों परीक्षा दिनांक दोस्तों 3, ये देख सकते हैं आप, 3 सितंबर 2019 से दिनांक 6 सितंबर 2019 तक रहेगी। कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन गति एवं दक्षता परिणाम ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इन पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 14 RS/MSSB में आप देख सकते हैं निर्देशित किया गया था, परंतु व्यवहारिक दृष्टि एवं एक रूपता बनाने की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा में बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पहले है वो बोर्ड द्वारा एक आ गया था कि जो कंप्यूटर है वो परीक्षार्थी को स्वयं ही लेकर आना होगा, लेकिन दोस्तों अब इसमें RS/MSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है और उन्होंने कहा है कि जो कंप्यूटर है दोस्तों वो बोर्ड ही जारी करेगा एक रूपता बनाए रखने के लिए और व्यवहारिक दृष्टि से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा और जो शुल्क है दोस्तों वो आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी दोस्तों EWS OBC और जो जनरल कैटेगरी की है दोस्तों उनको देने होंगे 450 रुपये। उसके बाद में बात करें दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिलेयर जो श्रेणी की है दोस्तों उनको देने होंगे 350 रुपये, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों SC और ST कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तो उन्हें देने होंगे 250 रुपये। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको ये शुल्क जमा कैसे करवाना है अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर शुल्क स्वयं की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं SSO ID पर आपको जमा करवाना होगा उपलब्ध जो आपके वहाँ पर SSO ID पर जब जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर दोस्तों आपको लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाइएगा दोस्तों और वहाँ पर ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं। जिसकी सूचना है वो प्रत्यक्ष से बोर्ड दे देगा और जब भी सूचना आएगी आप हमारे इस चैनल पर सबसे पहले पाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में दोस्तों मैं आपको बता दूं अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि शुल्क है वो जरूर जमा करा दें। उक्त ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश है वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या दोस्तों निर्देश जारी किए गए हैं। मॉक टेस्ट हेतु भी बोर्ड है वो वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के फेज सेकंड हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन गति एवं दक्षता परीक्षण परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले वही बात बताई गई है कि आपको 450, 350, 250 रुपये वो एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाकर जमा करवाने होंगे। दोस्तों, उसके बाद में यदि हम बात कर लें आपकी परीक्षा वो किस प्रकार से होगी तो अभ्यर्थी अपनी गति या दक्षता परीक्षा प्रारंभ करने होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व दोस्तों यानी आपको 3 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य 1.5 घंटे पहले जो आपको सेंट्रल अलॉटमेंट कर दिया जाता है वहाँ पर पहुँचाना है। उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक है वो अलग से दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं। उसकी लिंक भी दोस्तों मैं बोर्ड द्वारा प्रोवाइड करते हैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत 4 भागों में दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो 4 भागों में करवाई जाएगी। सबसे पहले बात करें दोस्तों हिंदी टंकन गति परीक्षण होगा आपका, इसमें आपको दोस्तों 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपके 25 अंक होंगे और आपको कम से कम दोस्तों 9 अंक प्राप्त करने होंगे। इसमें दोस्तों 2 फेज है, उसमें एक में तो आपके देखी जाएगी शुद्धता और एक में आपकी देखी जाएगी दोस्तों स्पीड और आपके जो इन चारों में ही दोस्तों आपको 10-10 मिनट का समय मिलेगा यानी कुल मिलाकर दोस्तों आपको मैं बता दूं 40 मिनट का समय मिलेगा और 25 मार्क्स का आपका हर पेपर होगा और आपको इनमें से कम हर एग्जाम में दोस्तों 9 मार्क्स है वो प्राप्त करने हैं। यदि आप 9 मार्क्स प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको अनक्वालिफाई है वो घोषित कर दिया जाएगा, चाहे आप दोस्तों किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, SC ST या जो भी EWS या फिर MBC कैटेगरी की है, वो ये ना सोचें कि हमें है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और हमारे 9 नंबर से कम होते हैं तो भी हमारा है दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं कम से कम आपको 9 नंबर तो लाने ही होंगे, 9 नंबर के बाद ही आपका जो रिजर्वेशन है वो लागू होगा। दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं
परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप आदि के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गति परीक्षण के बारे में। दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी का प्रत्येक भाग है वो 25 अंक का होगा। इस और प्रत्येक भाग के लिए दोस्तों आपको 10 मिनट का समय दिया। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है परिच्छेद है दोस्तों, वो आपको पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अंग्रेजी के परिच्छेद 500 शब्दों का होगा और जो हिंदी का परिच्छेद है दोस्तों वो 400 शब्दों का होगा। मैं आपको बता दूं अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर आपको 0.05 अंक है वो निर्धारित होंगे दोस्तों, और हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर आपके 0.625 अंक है वो मिलेंगे दोस्तों। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए टंकन गति का कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियों के अंक है वो नहीं दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको इन दिन यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। कौन कौन सी गलतियां? गलत वर्ण शब्द या अंक लिखना, वर्णों शब्दों या अंकों का छोड़ना, वर्णों शब्दों अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर को यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, और उसके बाद में दोस्तों बात करें तो मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो कि दिखने में नजर नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। जैसे उदाहरण में केवल को DSOY और DSSSSOY भी लिखा जा सकता है लेकिन जो केवल सही है दोस्तों मैं आपको बता दूं DSOY वाला माना जाएगा। इसी प्रकार वर्णों का टंकन है वो उचित प्रकार से यदि आप नहीं करते हैं तो वो भी आपका गलत बना माना जाएगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों यदि दक्षता परीक्षण यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट की यानी इसमें आपकी शुद्धता देखी जाएगी तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं अमर्स वर्ष 2007 में दोनों भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में कराई जाएगी जिसमें पैराग्राफ एवं टेबल से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। उदाहरण के रूप में पैराग्राफ, पेगिंग, हेडर, फुटर आदि के दोस्तों आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद में बात करें दक्षता परिणाम का प्रश्न पत्र है वो अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय अलग से दिया जाएगा। जो आपकी स्पीड टेस्ट होगा उसे अलग इसका दोस्तों आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा। दोनों भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी का जो प्रत्येक भाग है दोस्तों मैं आपको बता दूं 25 अंकों का होगा एवं प्रत्येक भाषा के लिए आपके लिए उसमें भी 10 मिनट का समय निर्धारित होगा। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की जो कट कॉपी पेस्ट साइट माउस क्लिक सभी फंक्शन की के अलावा सभी की जो दोस्तों कार्य करेगी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन है दोस्तों वो प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रश्नों में विशेषता पूछे गए फॉर्मेटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं करी अन्यथा किसी किए कार्य के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि वो अपना कार्य सुंदर दिखाने के लिए अलग से स्टाइलिंग एडिटिंग करते हैं लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं नंबर जुड़ने के बजाय आपके पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे और आपको स्ट्राइक दोस्तों आपका पैराग्राफ बिना चेक किए आपको अनक्वालिफाई है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके दोस्तों परीक्षक को वापस लौटाएगा। यदि आप हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के LDC 2018 के दोस्तों जो आपकी टाइपिंग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। यदि आपके दोस्तों अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट को दोस्तों पढ़कर आपके हर क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अपने स्तर पर दोस्तों मैं खोजूंगा, यदि मुझे कोई नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको टाइपिंग से जुड़ी हुई हर जानकारी मिली हो तो धन्यवाद दोस्तों। LDC के टाइपिंग से जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी और भी कोई अपडेट पाने के लिए Yeah.